हेलो स्टूडेंट्स, आप ये तो हम सेकंड पार्ट के बाद में आपको कहा था, दसवें क्वेश्चंस के बाद में एक अलग से आपको मेथड यूज करनी होगी और उसके लिए आइए जानते हैं कि उसमें ऐसा क्या खास है। तो देखिए, उसमें आपको एक शब्द मिलेगा समदूरस्थ। समदूरस्थ इसका मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। तो ये आपको इसका मीनिंग जानना जरूरी है कि समान दूरी पर स्थित कोई भी निर्देशांक है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ उसमें एक ऐसी शर्त दे रखी होती है जिसमें आपको या तो ये कहा जाएगा कि वह x अक्ष पर है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है तो उसका y की वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है। यानी यहां पर कोई बिंदु है आपके पी और पी के निर्देशांक है तो उसमें ये एक्स की वैल्यू है ये तो होगी, यानी जो भी आपके भुज की वैल्यू है वो तो मान आपको मिलेगा। साथ ही आपको इसमें वाई है वो मान से क्या लिखना है जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या होती है जीरो। फिर देखिए, ये जो एक्स है ये जैसे ही इसको आपको वैल्यू मिलेगी तो आपको इस निर्देशांक का मान भी मिल जाएगा। फिर देखिए, दूसरी कंडीशन है वाई अक्ष पर। वाई अक्ष के लिए देखिए कि आपको सेम इसकी तरह जैसे बिंदु है हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई Q, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ X की वैल्यू है वो है आपके जीरो, क्योंकि ये आपके न तो इस तरफ प्लस में है न माइनस में है, यानी यहाँ पर X की वैल्यू क्या होगी जीरो और Y की वैल्यू कोई भी हो सकती है प्लस या माइनस, तो यहाँ पर Y। इस प्रकार ये बिंदु अब किसी भी बिंदु से समदूरस्थ हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है A, यहाँ बिंदु है आपके बी, तो यदि यहाँ पर ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु आपको पूछा जाए कि इसमें एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है, ये वाई अक्ष है तो एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है, तो आपको इस तरह से मानना है फिर यहाँ का है समदूरस्थ, तो ये दूरियां समान होगी। यानी जैसे ही आप एपी बराबर पीबी को सॉल्व करेंगे तो आप एपी और पीबी को जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा इसमें एक्स की वैल्यू और एक्स से आपको निर्देशांक मिलेगा। अब सेकंड कंडीशन, जैसे आपको यहाँ बिंदु दे रखा है सी और ये दे रखा है आपको डी, यानी कहीं भी कोई भी बिंदु दे रखे और आपको कहा जाए कि ये वाई अक्ष पर कोऑर्डिनेट है, तो इसमें आपको क्या करना है सीधा इन दोनों दूरियों को बराबर रखना है, यानी सी क्यू बराबर रखना है आपको डी क्यू। जैसे ही बराबर रखोगे तो एक आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, इससे आपको कोऑर्डिनेट मिल गया जीरो कोमा वाई। तो इस प्रकार से आपको समान दूरी का प्रश्न हल करना है। तीसरी कंडीशन देखिए, यदि आपको कोई एक बिंदु दे रखा है जैसे मान लेते हैं P और इसमें K और इस प्रकार X की वैल्यू आपको दे रखी है और K आपको अज्ञात वैल्यू दे दी, फिर आपको एक बिंदु दे दिया इसमें A और एक दे दिया B, तो उसमें भी आपको ये कहा जाए कि बिंदुओं A और B से समान दूरी पर स्थित, यानी ये दोनों दूरियां क्या है समान है, तो इसमें आपको K की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको X इसमें दे रखा होगा जैसे यहाँ पर ऐसे एक दे दिया, तो इस प्रकार यहाँ पर केवल K की वैल्यू आपको मिलेगी, वो मिलेगी ए पी बराबर पी बी, ये पी बी रखने से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोई भी प्रश्न इस टाइप का है और इन तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अवश्य आने वाला है कि आपके इसी टाइप का एक प्रश्न है जिसमें कहा गया कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस पांच कोमा माइनस दो और तीन कोमा दो से समान दूरी पर स्थित है। तो इसमें आपको क्या करना है, हल करते समय आपको मानना है कि कोई एक बिंदु ऐसा जो y अक्ष पर है, तो निश्चित रूप से इसका x की वैल्यू क्या होगी, यानी भुज की वैल्यू इसमें जीरो होगी। तो आपको क्या करना है, एक बिंदु मान लेना है, तो माना y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु जीरो कोमा वाई है, फिर इसमें ये जो बिंदु दे रखे हैं इनको हम मान लेंगे, जैसे ये मान लिया ए है, ये है बी और ये बिंदु हम मान लेते हैं पी, तो इसके अनुसार हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं। जैसे ये बिंदु पी है, पी के निर्देशांक हमने माना है जीरो कोमा वाई, और अगर एक्स एक्स परिस्थित हो तब आपको मानना है एक्स कोमा जीरो। तो इस प्रकार यहाँ पर ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है माइनस पांच कोमा माइनस दो, एंड सेकेंड पॉइंट इज बी जिसके निर्देशांक है आपके तीन कोमा दो। अब इसमें इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी है पी बिंदु की, तो यहाँ पर ये दोनों दूरियां क्या है समान है। अब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि
दूरी सूत्र क्या है, जैसे पी क्यू है तो उसका मान होता है आपके एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको मान रखना है, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार आप क्या लिख सकते हैं कि ये पी ए बराबर किसके हैं, पी बी के, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, तो आप लिखेंगे पी ए बराबर पी पी। अब इसमें आप इजीली वैल्यूज पुट कर दीजिए, पी ए और पी बी दोनों सेपरेट इस प्रकार के फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर पी ए लेंगे हम पहले, ये पी ए है, इसके अंदर आप लिखेंगे जीरो माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो प्लस का पांच होल स्क्वायर प्लस फिर आपके वाई टू यानी कि यहाँ पर वाई माइनस और फिर प्लस में आपके टू हो जाएगा क्योंकि माइनस टू है और वाई वन की वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया प्लस और प्लस का टू होल स्क्वायर। इक्वल में आपको पीबी ज्ञात करना है और पीबी के लिए क्या करेंगे, ये पी और ये बी इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे, फिर आपके एक्स टू यानी कि जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू यानी यहाँ पर वाई टू माइनस वाई वन होगा तो ये हो गया वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर बोथ साइड यानी दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास में वर्गमूल का जो साइन है दोनों तरफ से हट जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे जीरो प्लस पांच यानी पांच होगा और पांच का स्क्वायर हो गया पच्चीस प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हम लेंगे वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू इंटू ए होगा वाई टू इंटू वाई इंटू टू तो ये हो गया फोर वाई प्लस बी स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर क्या होगा चार। नेक्स्ट देखिए जीरो माइनस तीन होगा माइनस तीन का वर्ग हो गया आपके नौ प्लस वाई का स्क्वायर माइनस टू ए बी दो इंटू दो चार इंटू वाई यानी ये भी हो गया चार वाई। फिर आपके लिए ये माइनस यहाँ पर दो ए माइनस बी है तो प्लस का बी स्क्वायर हो गया यानी ये हो गया प्लस का चार। तो इस प्रकार से आपने सूत्र के अनुसार इनको ओपन कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया वाई स्क्वायर दोनों तरफ प्लस का है कैंसिल आउट हो गया, फोर वाई का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर वाई प्लस फोर वाई पहले से है तो ये हो गया प्लस का फोर वाई और इक्वल में आपके नौ प्लस चार कितने होते हैं तेरह और पच्चीस और चार उन्तीस यानी माइनस का उन्तीस। अब देखिए चार और चार ये हो गया आपके आठ वाई बराबर तेरह माइनस उन्तीस तो उन्तीस में से तेरह घटेंगे माइनस के आगे सोलह फिर आपके ये इधर आठ गुणा में है इधर भाग देंगे ये हो गया वाई बराबर माइनस का दो यानी कि आपके y की वैल्यू अभी तक मिली आपको माइनस का दो। अब देखिए आपको वह बिंदु ज्ञात करना था आपको y अक्ष पर, तो y अक्ष पर हमने बिंदु माना था जीरो कोमा वाई यानी p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः p यानी कि जीरो कोमा वाई ये किसके इक्वल होगा, जीरो की जगह आपको जीरो लिखना है, y की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का टू, तो ये आपका आंसर होगा। आज के इस वीडियो में आपने देखा अपने नवें चैप्टर का जो 9.2 प्रश्नावली उसके प्रश्न, इसके अंदर जो 11, 12 और 13 प्रश्न है वो इसी टाइप के यानी समान दूरी पर आधारित है, तो इसमें जैसी दूरियां बराबर रख के वर्क करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर आपके 14वां और 15वां प्रश्न है, तो इसमें 14वां में आपको प्रूव करना है कि इसमें किस प्रकार से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिलती है, तो थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, ये भी आपके लिए इजी और परीक्षा माने लायक प्रश्न भी है। इसके बाद में आता है आपके 15वां प्रश्न, 15वें के अंदर ये थोड़ा लेंथी प्रश्न है और 6 अंक के लायक है, 6 अंक की आपकी ये प्रश्नावली भी नहीं है तो ये प्रश्न आना इसमें संभव नहीं है, तो यहाँ पर 14वां प्रश्न तक आपको बिल्कुल अपडेट रहना है और सारे सवाल करने हैं। अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस सारे वीडियो जो हम डालते हैं इनको पूरा देखिए और इससे आप कंटिन्यू नोट्स भी बनाते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आपको फील हो उसको आपको कमेंट में लिखना है और थोड़ा पॉजिटिव कमेंट आप करेंगे कि इसमें आपको क्या समझ में आया या फिर आपको समझ में नहीं आया, तो उसमें थोड़ा ये भी देखना है कि हमें ये प्रश्नावली समझ में नहीं आई या इससे आगे ये प्रश्नावली हो तो ठीक रहेगा, यानी आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। फिर इसके अंदर आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकाधिक विद्यार्थियों को जुड़ सके और उनको बेनिफिट मिल सके।